चाणक्य को अपमानित किया था, एक विद्वान को अपमानित किया था। मैं बार बार बोलता हूं कि बिहार के नेताओं को बिहार की धरती, संस्कृति और गरिमा का पता नहीं है। राजा जनक जैसे प्रतापी महाराज के दरबार में विश्वामित्र पहुंचे थे तो पानी और सब कुछ छोड़ करके खड़े हो गए थे चरणों में। इतना आदर सत्कार साधु पुरुषों का होता था। एक इतिहास ऐसा भी है कि एक विद्वान पुरुष का अपमान नंदवंश ने किया था, और उस वक्त नंदवंश घनानंद भारत का सबसे प्रतापी, सबसे धनी राजा था। उसने मजाक उड़ाया था, सत्यानाश हो गया। माँ यती चेतनानंद है हिंदू धर्म गुरु, मायती चेतनानंद का बहुत स्वागत है। ए के मिश्रा जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, ए के मिश्रा जी का बहुत स्वागत। एक लाइन, बाबा देशद्रोही है क्या है क्या नहीं ये नहीं पता, लेकिन जो लोग सनातन का विरोध कर रहे हैं वो धर्मद्रोही जरूर है, इतना वो सिद्ध कर रहे हैं। ठीक ठीक, रुकना होगा, मैं एक प्रश्न लेके ए के मिश्रा के पास चलूंगा, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, एक प्रश्न लेके ए के मिश्रा के पास चलूंगा। सत्ता के लिए सरकार बन जाए, बनी रहे, विश्वास मत हासिल हो जाए, इसके लिए हम बेऊर जेल में जाके दुर्दांत अपराधी से मिल लेते हैं, छवि की चिंता किए बिना, और उसके आग्रह पर फोटो भी खिंचानी पड़ती है क्या? लेकिन अगर करोड़ों करोड़ लोग जिसके प्रति एक आस्था का भाव रख रहे हैं, वो आपके राजधानी में आया है, आपके प्रदेश में आया है, क्या उससे सौजन्य वश मुलाकात नहीं होनी चाहिए, भेंट नहीं होनी चाहिए राज्य की ओर से? इसमें कोई गुनाह है, कोई पाप है, कोई चोरी है क्या? क्या सीरिया में हमने सीरिया में शासन चुना है? नहीं ना, ये भारत में शासन चुना है। क्या समस्या है मुख्यमंत्री को वहां आके नमन करने में? कोई नाकनीची होती है क्या? मिश्रा जी, आप जी, जिन राजनेताओं ने जो बोल रहे हैं कि हमें कार्ड इनविटेशन चाहिए, भाई सनातन के लिए कोई इनविटेशन नहीं, राजा और रंक बराबर हैं, महाकुंभ लगता है तो कोई इनविटेशन नहीं जाता है। जो लोग बोल रहे हैं इनविटेशन चाहिए या नहीं गए, उन्होंने बिहार के इतिहास को कलंकित किया है। अशोक से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य तक आप लोगों को पता होगा कि बिहार में विद्वानों को, धर्माचार्यों को कितना महत्व दिया जाता था, और यही कारण है कि बिहार की भूमि से ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं क्या? नहीं नहीं, अरे आप शांत रहिए, मैं इतिहास बता रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, अरे मैं इतिहास बता रहा हूँ, आपको नॉलेज नहीं, बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं मिश्रा जी। नहीं, आप बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं, आप एकदम निराधार बात बोल रहे हैं। पुत्र का इतिहास आपको पता है, जाएगा वही सनातनी होगा, जो नहीं जाएगा वो सनातनी होगा। राजा छोड़ करके चले आते थे, स्पष्ट बोलिए, साफ बोलिए, बाबा के दरबार में जो जाएगा वही सनातनी होगा, जो नहीं जाएगा वो सनातनी नहीं होगा। आप स्पष्ट बोलिए, गलत बात क्यों बोलते हैं, निराधार बात क्यों बोल रहे हैं? राजू मेल साफ कर, तो सुनाई पड़ेगा आपको साफ। आप समझिए, आप पढ़िए, आ जाता है चैनल पे बैठ करके आप सनातनी होने का सर्टिफिकेट नहीं पा सकते हैं। आपको ये अधिकार किसने दिया है कि चैनल पे बैठ के आप सनातनी होने का अधिकार सर्टिफिकेट बांटिएगा? अरे सर्टिफिकेट क्या, कान का मेल निकाल सर्टिफिकेट क्या? अरे एक मिनट रुके, एक मिनट रुके, एक मिनट रुके, एक मिनट, एक मिनट, एक एक के मिश्रा जी आप भी रुकिए, इम्तियाज भाई आप भी रुकिए, दोनों लोग रुके, दोनों लोग रुकिए, एक बात कह दूं ताकि तराजू, एक मिनट मिश्रा जी, एक मिनट, ताकि तराजू बराबर हो जाए और भ्रम कम से कम रहे। कहा गया कि बाबा लड़ाई करा रहे हैं। मिश्रा जी आपसे बात शुरू करता हूं, फिर उधर चलता हूं। 96 का जन्म है पंडित धीरेंद्र शास्त्री का, 26-27 साल की उम्र में जो लोग ब्रांड का एसेसमेंट करते हैं वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के 5 सबसे पॉपुलर और ताकतवर लोगों में से एक हो गए धीरेंद्र शास्त्री। और उतनी भीड़ ना अभिनेता जुटा सकता ना नेता जुटा सकता जितना धीरेंद्र शास्त्री अक्रॉस द कंट्री जुटा रहे हैं। एक दौर में भीड़ जुटाने का एक वो बाबा रामदेव के पास भी था करिश्मा, लेकिन धीरे धीरे एक समय होता है तो लोग कह रहे अब ये समय धीरेंद्र शास्त्री का है। अब बाबा बिहार गए तो वहां संग्राम छिड़ गया, बताइए क्यों भाई?
बाबा कई राज्यों में गए, और अगर उनको देखने के लिए इतने लोग उमड़ रहे हैं, और उस व्यक्ति को अगर कोई राजनीतिक दल ये कह दे कि ये देशद्रोही है बाबा, तो बड़ा सवाल ये नहीं खड़ा होगा कि जो लाखों लोग उनकी झलक पाने के लिए आए हैं ये भी देशद्रोही हैं क्या आरजेडी की नजर में? अमिताभ जी धन्यवाद शुरुआत मुझसे करने के लिए। थोड़ा अब की बार मैं अपनी सीमा का उल्लंघन करूंगा, मुझे एक आध मिनट ज्यादा दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न, ये घटना बड़ी विचारणीय है और गंभीर है। हम सबसे मॉडर्न इरा में जी रहे हैं, 21st सेंचुरी, जहाँ पे सरकारें पूरा सिस्टम इस चीज को लगा रहता है कि भाई धर्म वगैरह सेकेंडरी है, घर में रखो, ये सनातन की महिमा है। धीरेन्द्र शास्त्री का जो आपने डेट ऑफ बर्थ बताया, अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी की पर्सनालिटी से, उनके आचरण से सनातन को अलग कर दिया जाए तो उनका कोई महत्व नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, जहां पे कि पूरी सरकारें, पूरे बुद्धिजीवी वर्ग, राजनेता, पार्टियां और सेकुलर जमात और हजारों साल से कई आक्रमणकारी इस चीज को मिटाने में और झूठ बताने में लगे रहे हैं कि सनातन कुछ नहीं है, गलत है, हमने खत्म कर दिया या खत्म हो जाएगा, इसका कोई की रोटी की ज्यादा महत्व है, नौकरी और इन सब चीजों का ज्यादा महत्व है। 42 डिग्री टेम्परेचर में तो कोई बोले कि भाई आओ हम तुमको नौकरी दे रहे हैं तो भी नहीं जाएगा, मना कर देगा। सनातन की महिमा, इसका रूटिंग, इसके सिद्धांत इतने जबरदस्त है भारत में हजारों साल से कि न जाने कितनी राजनीतिक पार्टियां मुगलों ने अटैक किया, इसको मिटा देंगे। ये एक बड़ा क्लियर कट मैसेज है। जो राजनेता, जो पार्टियां ये समझती हैं कि हम सनातन से पंगा लेके सनातन को पीछे कर देंगे, वो गलत फहमी में है, उनका भ्रम बिहार में टूट रहा है। चाहे राम सेतु की बात करिए, चाहे जो भी करिए, और अभी जब महाकुंभ लगेगा तो पूरे वैश्विक स्तर पे ये भ्रम टूटेगा दुनिया के सारे सेक्युलर बुद्धिजीवी जितने हैं कि भाई सनातन कमजोर है, सनातन को साफ कर देंगे, ये असंभव है। अपनी औकात में, ठीक है मिश्रा जी, ठीक है मिश्रा जी, आते हैं तो सुन लीजिए एक लाइन। बाबा देशद्रोही है क्या, है क्या नहीं ये नहीं पता, लेकिन जो लोग सनातन का विरोध कर रहे हैं वो धर्मद्रोही जरूर है, इतना वो सिद्ध कर रहे हैं। ठीक ठीक, इम्तियाज भाई अभी रुकना होगा, संतोष भाई रुकना होगा, मैं ए के मिश्रा जी के पास चलूंगा। ए के मिश्रा जी, बड़ी विचित्र सी स्थिति है इस देश में, ठीक है संतोष भाई अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, दोनों को, दोनों मित्रों को रुकना होगा। एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है इस देश में, बड़ी बड़ी तकरीरें होती हैं खासतौर पर जुमे की नमाज के बाद, ठीक, उनमें भी बहुत कुछ ऐसा बोला जाता है जो नहीं बोलना चाहिए, ये जिसके बिना बोले भी काम चले, उसको कोई देशद्रोही नहीं कहता, देश तोड़ने वाला नहीं कहता, बवाली नहीं कहता, क्या? लेकिन ना बागेश्वर बाबा पटना में हनुमान कथा कह रहे तो सत्ता के शीर्ष से कहा जा रहा है कि बाबा देश तोड़ने वाला है, बाबा देशद्रोही है। फिर आप कहोगे हम तो सबको बराबर लेके चलते हैं, सब धर्मों का मान करते हैं, तो ये बात कैसे हजम हो जाएगी? एक एक और बात कह दूं, उत्तर प्रदेश में एक अपराधी से मुचेटा हुआ पुलिस का, वो मारा गया एनकाउंटर में, असद और उसका शूटर, ठीक। उसके बाद अतीक और अशरफ, मसला उत्तर प्रदेश का, और बिहार में जुमे की नमाज के बाद अतीक अमर रहे और अशरफ अमर रहे, असद अमर रहे का नारा लगा, क्यों लगा भाई? उसकी जरूरत थी क्या? उससे क्या लेना देना, क्या लेना देना भाई? मसला वहां का है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, आप अमर रहेगा नारा यहां से क्यों लगा रहे मस्जिद से मिश्रा जी? और फिर सरकार ये कहती है हमारी दृष्टि में भेदभाव नहीं, हम तो सबको बराबर मानते हैं। अमिताभ जी आपने तो बहुत छोटा सा दायरा लिया, इलाहाबाद से लेके पटना तक मुश्किल से 400-500 किलोमीटर दूर होगा। दुख तो तब होता है जब फिलिस्तीन में कोई चीज होता है और प्रदर्शन भारत में होता है। जरा पूछिए तुम्हारी ननिहाल है, ससुराल है, मायका है, क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है बताइए ना। फिलिस्तीन जैसे देश से ना कोई व्यापारिक संबंध, ना कुछ, ना कभी जाना, ना कुछ करना, दुनिया में कहीं पे भी होगा यहां उपद्रव शुरू हो जाएगा। ये यूपी की बात रही। बात दूसरी, चाणक्य को अपमानित किया था, एक विद्वान को अपमानित किया था। मैं बार बार बोलता हूँ कि बिहार के नेताओं को बिहार की धरती, संस्कृति और गरिमा का पता नहीं है।
राजा जनक जैसे प्रतापी महाराज के दरबार में विश्वामित्र पहुंचे थे तो पानी और सब कुछ छोड़ करके खड़े हो गए थे चरणों में। इतना आदर सत्कार साधु पुरुषों का होता था। एक इतिहास ऐसा भी है कि एक विद्वान पुरुष का अपमान नंदवंश ने किया था और उस वक्त नंदवंश घनानंद भारत का सबसे प्रतापी सबसे धनी राजा था, उसने मजाक उड़ाया था, सत्यानाश हो गया। और रही बात जो कर्नाटक में बोल रहे हैं कि बजरंगबली इधर आ गए, अरे भाई बजरंगबली नाम कोई बेटा नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी का, ना मैं तो ओवैसी साहब आप लोगों को बोलता हूँ, चल के राम मंदिर बन रहा है, आरती उतारिए, गंगा आरती करिए, अरे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा, प्राण जाएगा, छूट हार जाएंगे। अगर आप राजा बन सकते हैं केवल राम का नाम लेकर के श्रद्धा के साथ, तो आपको क्या दिक्कत है? आप कर्नाटक में चुनाव इसलिए जीते हैं कि आपने कमिट किया, आपने पढ़ लिया, प्रधानमंत्री ने बजरंग बली का नाम लिया था, हम लोगों ने नहीं लिया था, कांग्रेस के लोगों ने बजरंग बली का नाम नहीं लिया था, प्रधानमंत्री ने नाम लिया था। इस सवाल को देखिए, इस सवाल पे आपको समझ में आया, इसका उत्तर आपको मिला कर्नाटक का चुनाव। प्रधानमंत्री ने बजरंग बली के नाम से वोट देने के लिए चौराहे पे हनुमान जी की मूर्ति बनाऊंगा, कांग्रेस ने नहीं किया था, और नहीं बनाएंगे तो सत्ता नहीं किया था। देखिए अब अगर आपने झूठ बोला था, अगर आपने झूठ बोला तो प्रॉब्लम चल रही है। भाई राम का नाम आप भी लीजिए, राम नाम ही ओढ़ करके डिबेट में बैठिए ना, किसने पेटेंट किया हुआ है? कोई पेटेंट नहीं है। नीतीश बाबू को बोलिए, नीतीश बाबू को बोलिए कि राम मंदिर में जाके कार सेवा करें। देखिए प्रधानमंत्री बनने से नहीं लेगा, आप क्या है, आपके नाम लेने से भक्ति होगा? आपके कहने से कोई भक्ति करेगा? किसका कोई भक्ति है? कौन सनातनी है? नहीं है रुकिए, मैं यतीमा के पास चलूंगा, इसको कंस्ट्रक्टिव ढंग से चलने दीजिए, अभी रुकिए।